बाजार इलाका, यहाँ की जेबा मस्जिद। 30 मई को मस्जिद के बाहर कई लोग इकट्ठा हुए, 12 साल की नाबालिग के लिए न्याय की मांग। आरोप है कि एक मौलाना ने नाबालिग बच्ची का मस्जिद के अंदर ही रेप किया। अब आरोपी मौलाना को गाजियाबाद की लोनी से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को हंगामे के बाद हर्ष विहार थाने की टीम मस्जिद पहुंची। पूछताछ करने पर पता चला कि इलाके के लोग आरोपी मौलाना का नाम नहीं जानते, ना किसी के पास मौलाना की तस्वीर थी। ऐसे में पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो फुटेज से आरोपी की फोटोज निकलकर पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट किया। थोड़ी ही देर में आरोपी मौलाना की लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने गाजियाबाद के लोनी इलाके के दरबार मोहल्ला जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी मौलाना का नाम इलियास है और राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। आरोपी लोनी में किराए के मकान में रहता है। आरोपी मौलाना को गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इलियास की उम्र 48 साल है और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आरोपी कई मस्जिदों में इमाम का काम करता है। वह शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप है। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।